हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से हम प्रोफेशनल न्यूज़ स्टूडियो वाला वीडियो एडिटिंग अपने फ़ोन पे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है, और उससे पहले डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में यूज़ होने वाला जो भी प्रोजेक्ट फाइल है उसका भी लिंक आपको मिलेगा। तो उसको जो है आपको डिस्क्रिप्शन से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद में उसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वो एक जिप फाइल होगा तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको उसके अंदर मिलेगा एक न्यूज़ स्टूडियो वाला एक वीडियो। तो सबसे पहले काइनमास्टर ओपन करने के बाद में प्लस के साइन में हम क्लिक करते हैं, उसके बाद में 16:9 का रेशियो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमें जो है उस एक्सट्रैक्ट फाइल में स्टूडियो का वीडियो मिलेगा, न्यूज़ स्टूडियो सेटअप मिलेगा, उसको हमको इम्पोर्ट करना है। तो ये वो स्टूडियो है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एनिमेशन वाला स्टूडियो है, और यहाँ पर आप जो है अपना न्यूज़ वीडियो जो है ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये 10 सेकंड का क्लिप है, तो आपका अगर वीडियो ज़्यादा लंबा है, जितना लंबा है उतना लंबा इस वीडियो को बनाने के लिए सिंपल इस वीडियो को क्लिक कीजिए, 3 डॉट वाले लाइन को सिलेक्ट करके इसका जो है आप डुप्लीकेट करते जाइए, और ये जो है रिपीट होता जाएगा, यानी कि इसका डुप्लीकेट बनते जाएगा, और आपका वीडियो जितना लंबा आप बनाना चाहते हैं उतना हिसाब से आप रखिए। तो ये क्या है, ये रिपीट प्ले होते जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो भी न्यूज़ वाला वीडियो जो आपने रिकॉर्ड किया है वो ग्रीन स्क्रीन में होना चाहिए। इसके बाद में हम करेंगे ये कि उस वीडियो को जो है लेयर में लेके आना है। तो लेयर में जाके मीडिया ब्राउज़र में जाके यहाँ से कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, ये एक्टर है, इन्होंने जो है न्यूज़ चैनल का के लिए जिस तरह से ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया है, तो आपको जो है सेम इसी तरह का ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना है। अपना जो भी न्यूज़ है उसको आपको बोल देना है। इसके बाद में दोस्तों इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो क्रोमा की को हमको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर अगर आपका जो की कलर ग्रीन नहीं होगा तो आपको जो है यहाँ से जाके आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीन कर सकते हैं। और आप अगर बैकग्राउंड में ग्रीन के अलावा कोई और कलर का करें तो उसको भी जो है वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ क्रोमा की एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्रोमा की एडजस्टमेंट हो गया है, अब जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टर है, तो इसको जो है आप यहाँ से पकड़ के इसको नीचे वाला लेयर को सिलेक्ट करके इसका जो साइज है आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं, ठीक है, कर दिए। इसके बाद में इसको आपको इस तरह से सेट कर देना है, अपने हिसाब से जितना साइज रखना चाहते हैं, जिस तरह का साइज रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से रखिए, और इसको इस तरह से जो है आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। तो इस तरह से जो है हमारा वीडियो जो है बन जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने भी जो है एक ग्रीन स्क्रीन में वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो उसको भी इंपोर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं। अब इसके बाद में फिर से हम लेयर में जाएंगे, मीडिया ब्राउज़र, और मैंने कुछ इस तरह का वीडियो जो है शूट किया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सबसे पहले मुझको डिलीट करना होगा, और जहाँ से मेरा वीडियो चालू है उस टाइम लाइन पर ले जाते हैं। तो यहाँ से मेरा वीडियो चालू है, लेयर को सिलेक्ट करूँगा सीजर में क्लिक करके, और यहाँ से लेफ्ट वाला सीन जो है उसको हमको डिलीट कर देंगे, पार्ट डिलीट कर देंगे, तो हमारा जो आगे का पार्ट है वो रिमूव हो गया है। इसके बाद में इस लेयर को इस तरह से क्लिक करेंगे, क्लिक करके होल्ड करके इस तरह से शिफ्ट कर देंगे, तो स्टार्टिंग में हमारा वीडियो आ चुका है। इसके बाद में इस लेयर को सिलेक्ट करके इसका क्रोमा की इनेबल कर देंगे। यहाँ क्रोमा की जो है ऑटोमेटिक कलर डिटेक्ट कर देता है, फिर भी अगर आपका कलर जो बैकग्राउंड कलर के साथ नहीं है तो कलर जैसे कि मैंने पहले कहा वो आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा कलर डिटेक्ट कर दिया है, और इसको जो है हम क्रोमा की कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिक है वो मैं बताता हूँ कि कैसे हमको करना है। तो यहाँ पर हम जो है अपना ग्रुपिंग ऑप्शन में जाएंगे, और जो भी नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट है, जो हमारे हमारा जो स्टूडियो का सेटअप है उसमें जो डेस्क है, डेस्क के नीचे का पार्ट हमें नहीं नज़र आना चाहिए। तो ग्रुपिंग के ऑप्शन में जाके हमारा सीन में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए उसको हम इस तरह से ग्रुप कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ग्रुपिंग जो है कंप्लीट हो गया है, राइट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में फिर से इस लेयर को सिलेक्ट करके इसको हम अपने हिसाब से स्केल छोटा करके सेट कर देना है। अब दोस्तों जहाँ तक आपका वीडियो है वहाँ तक आप रख के एक्स्ट्रा पार्ट को जो है आप आगे का पार्ट जो है डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर
वीडियो यहाँ ख़त्म हो रहा है और जहाँ तक मुझे रखना है यहाँ तक रखना है, तो यहाँ से मैं फिर से अपने लेयर में सिलेक्ट करके आगे का पार्ट को मैं रिमूव कर दूँगा। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो हमने जो लेयर बनाया है जितना हमको ज़रूरत है उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो चुका है। अब यहाँ से और भी प्रोफेशनल लुक, जो न्यूज़ स्टूडियो वाला लुक देना है, न्यूज़ चैनल का लुक देना है, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, आप लेयर में जाइए, ओवरले में जाइए, और यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं लाइव न्यूज़ वाला आपको एक ऑप्शन आ रहा है जो कि आपको शुरुआत में नज़र नहीं आएगा। तो इसको आपको डाउनलोड करना है। कैसे करेंगे, इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे जब, तो यहाँ गेट मोर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ गेट मोर पे क्लिक कीजिए। यहाँ से दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है, और नीचे में आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो नीचे में आपको मिल जाएगा लाइव न्यूज़ का एक टेम्पलेट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव न्यूज़ का टेम्पलेट आपको मिल गया है, तो इसको आप सिंपल क्लिक कीजिए और ये प्रोसेसिंग हो रहा है। और यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ होगा, मेरा में इंस्टॉल लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा है। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ से बैक आ जाइए और इस तरह से जो है ओवरले में आपको ये वाला ऊपर वाला जो न्यू लाइव न्यूज़ का जो ऑप्शन है ये मिल जाएगा। अब दोस्तों जहाँ से आपको लाइव न्यूज़ का जो भी ओवरले लगाना है उस टाइमलाइन पे आपने वीडियो को ले जाइए, और लाइव न्यूज़ में जाने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूज़ के काफ़ी सारे जो है ओवरले मिल जाएंगे। जैसे कि लाइव, आप अगर लाइव रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लाइव पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको जो है एनिमेटेड लाइव वाला है, यानी कि जैसे कि लाइव चल रहा है उस तरह का लुक आपको मिलेगा। लाइव न्यूज़ है, इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको सेट करना है। जैसे कि मैंने लाइव न्यूज़ रखा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करते हुए यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ इस तरह से। उसके बाद में फिर से हम लेयर में जाएंगे, ओवरले में जाएंगे, फिर से लाइव न्यूज़ में जाएंगे, यहाँ न्यूज़ 24 लाइव ये वाला ओवरले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एनिमेशन वाला ओवरले है, इसको भी हम इस तरह से थोड़ा सा छोटा करके इसको राइट साइड कॉर्नर में लगा देते हैं। इसके बाद में दोस्तों मान लीजिए कि हमको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ अगर हम बता रहे हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए फिर से हम लेयर में जाके, ओवरले में जाके, यहाँ पर फिर से लाइव में आपको बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ के, जैसे कि दो वाले हैं, रेड है और ब्लू कलर है, तो इसको जो है कर सकते हैं। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन भी है ब्रेकिंग न्यूज़ का, तो इसको भी जो है आप अपने फ्रेम में इस तरह से सेट कर सकते हैं नीचे में। और आपका जो भी हेडलाइन है उसको आप यहाँ नीचे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा एनिमेशन एनिमेटेड वाला सारे ओवरले हैं। अब इसको जो है आप जहाँ तक रखना चाहते हैं, इस ओवरले को जहाँ तक रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए कि आपको अगर इसमें इन और आउट एनिमेशन करना है, तो सिंपल आप इसको क्लिक कीजिए, यहाँ से इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ इन एनिमेशन कैसा देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, मैंने फेड दे दिया है, फिर से वापस जाके यहाँ आउट एनिमेशन, इसको भी फेड दे सकते हैं। तो इस तरह से जो काफ़ी जो है प्रोफेशनल तरीके से आपका एनिमेशन वगैरह जो है शो होगा। यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखना है, इसमें जो टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर आप जो है लेयर में जाके कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, इस टेक्स्ट का कलर हम कैसा रखना है, टेक्स्ट का कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ब्लैक रख लेता हूँ, और इसको हम यहाँ से साइज वगैरह दे दिए। जैसे कि हमारा कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद में फॉन्ट में जाके फॉन्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो टेक्स्ट का फॉन्ट रहेगा वो रखना है, फिर टेक्स्ट का एनिमेशन वगैरह हमको कैसे रखना है। तो ये सारा चीज़ आप करके पूरा मतलब प्रोफेशनल तरीके से जो है आप अपने वीडियो को न्यूज़ चैनल वाले वीडियो की तरह जो है आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों और भी एक ओवरले इसमें मिल जाएगा आपको, जो कि काफ़ी बढ़िया ओवरले मेरे ख्याल से ये वाला ओवरले है। तो इस तरह से भी इसको भी जो है आप ब्रेकिंग न्यूज़ वाला बना सकते हैं। तो सारे ओवरले जो है एनिमेटेड हैं। अब जितने भी ओवरले आप यूज़ कर रहे हैं उसको अपने टाइमलाइन के हिसाब से कहाँ इन आउट करना है, कितने देर रखना है, सारा अपने हिसाब से आप जिस तरह जितना आप ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश, जितना अच्छा आप एडिट करने की कोशिश करें, आपका वीडियो जो है उतना प्रोफेशनल तरीके से जो है लगेगा, दिखेगा, और काफ़ी बढ़िया जो है आपके वीडियो पे इसका इम्पैक्ट गिरेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैं आपको बताना चाहता था, किस तरह से आप प्रोफेशनल वीडियो अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे काइन मास्टर की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर की या
कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे अपने लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अपना न्यूज़ वीडियो एडिट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपका पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।